द्वारकाना खंभाळियामां रखडता ढोरનો આતંક ફરી એકવાર સામે આવ્યો છે। જોધપુર ગેટ નજીક રસ્તા વચ્ચે આંકલાઓનું યુદ્ધ જામ્યું છે। રસ્તા વચ્ચે આંકલાઓ પાખડતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોની સમસ્યામાં વધારો થયો છે। વારંવાર આવા દ્રશ્યો સર્જાતા હોવાથી લોકો પણ રોષે ભરાયા। પાલિકાની ઢોર પકડવાની કામગીરી પર પણ અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान कच्छनी मुलाकाते पहुंच्या हता। कोटाई गामना आहिर युवकनु आकस्मिक मृत्यु थता परिवारने सांत्वना आपवा पहुंच्या हता। लगान फिल्मना शूटिंग समयथी महावीरभाई साथे मित्रता भर्या संबंध हता। वर्षो बाद पण आमिर खाने मित्रता निभावी हती अने तेओ कच्छ पहुंच्या। અને સમાચારમાં હવે વાત અયોધ્યામાં મહામહોત્સવની। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा काउंटडाउन शुरू थई चुक्यो छे। अयोध्या राम माटे तैयार छे। 22 जानुआरी नी राह जोवाई रही छे। अयोध्या थी अखंड कवरेज जोवा मळी रह्यु छे। न्यूज 18 पर आप दिवस भर अयोध्या कवरेज जोई शकशो। अयोध्या में युग परिवर्तन जोवा मळी रह्यु छे अने हवे राम नी अयोध्या जोवा मळी रही छे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा काउंटडाउन शुरू थई चुक्यो छे। अयोध्या नगरी संपूर्णपणे राममय बनी छे। आजे रामलला की मूर्ति ने 114 कलशना औषधीय जल थी दिव्य स्नान करावामां आवशे। त्यारबाद मध्यादिवासमां श्यादिवासनी विधि करवामां आवशे। मध्यादिवासमां मूर्ति ने मध साथे राखवामां आवशे। श्यादिवास विधि में मूर्ति ने पथारी पर सुवडावामां आवशे। अयोध्याथी सरहद पर पण कड़क व्यवस्था बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। कोईपण वाहन अयोध्या सरहद में प्रवेशी शकशे नहीं। दरेक जग्याए कड़क सुरक्षानुं आयोजन करायुं छे। रामनगरी अयोध्या ने फूलों थी शणगारवामां आवी। वडोदरा थी माळे समाजना लोको करी रह्या छे शणगार। 35,000 किलो फूलों थी शणगार करवामां आव्यो। 150 लोको फूलों थी अयोध्या ने शणगार करी रह्या छे। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। समग्र देश राम भक्ति में डूब्यो छे। त्यारे सुरेन्द्रनगर ना दूधरेज में वडवाड़ा मंदिर में महायज्ञ योजाय। 1008 कुंडी महायज्ञ में संतो महंतो सहित अनेक राजकीय आगेवानो अने हुद्देदारोए हाजरी आपी। एटलू ज नहीं, महायज्ञ ना नामे वर्ल्ड रेकॉर्ड पण सर्जायो। प्राण प्रतिष्ठाना वधामणा करवा लोको हौशे हौशे उत्साह में जोड़ाया छे। महायज्ञ ना सफल आयोजन ने लई भाजप नेता जगदीश मकवाणाए भाजपना कार्यकर्ताओ सहित तमाम समाजनो आभार मान्यो। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने समग्र टीम द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा आज आ दूधरेज वडवाड़ा धाम नो जे समाधि स्थान छे खाते भव्य रीते यज्ञ संपन्न थयो छे। जे आखो माई यज्ञ छे ए वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड में नोंधायो छे। ए अमारा सौ झालावाड़ वासीओ माटे पण एक गौरवनी वात छे। 22 जानुआरी देश प्रभु श्रीरामना स्वागत माटे आतुर छे। समग्र देशवासीओ 2.5 महीनाना अंतराल बाद फरी दिवाळी उजवा थनकनी रह्या छे। उत्साह अने लागणीओना कुडापुरमां हिलोळे चढ्या छे। त्यारे आ धन्य घड़ीनो श्रेय क्यांक ने क्यांक सोमनाथने पण आपी रह्या छे, जेनी पाछळनुं कारण पण रोचक छे। जी हाँ, सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग अने अनेरु महात्म्य धरावती भूमि तो छे ज, आ साथे संकल्पनी भूमि पण छे। कारण के अहीं लीधेला भारतना महत्वना संकल्पो साकार थया छे। आजादी बाद ज्यारे सोमनाथना नवनिर्माणनी वात हती त्यारे सरदार वल्लभभाई पटेले अहीं सोमनाथनी धरती पर ज
सोमनाथ महादेव मंदिर नवनिर्माण संकल्प लीधो अने ए संकल्प साकार थयो। विदेशी आक्रांताओं आक्रमण थी खंडेर थयेली भूमि में आज समृद्धि ने छोड़ो उड़ी रही छे। समग्र सोमनाथ महादेवमय बनी गयो छे। हर हर महादेव नाद साथ आ भव्य मंदिर लोकोने महादेव की भूमिका भजवी रह्युं छे। मैं तो चाह रहा था कि राम मंदिर जितना जल्द से जल्द बने, और राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उसका प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ करेंगे, और वहाँ बहुत सारे डिग्निटरीज आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। सो ये पूरे हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा महोत्सव के जैसा है। तो अयोध्या राम मंदिर नी बात आवे त्यारे सोमनाथ भूमि ने श्रेय चोक्कसथी आपवो पड़े, कारण के अयोध्या में बनी रहेला निर्माण नो पायो अहींथी ज नखायो हतो। जी हाँ, अहींथी ज 1990 में राम मंदिर ना निर्माण ना संकल्प साथे शुरू थई हती संकल्प यात्रा। लालकृष्ण अडवाणी अने तेमना शिष्य नरेन्द्रभाई मोदी ए जे संकल्प साथे यात्रा प्रस्थान करावी हती, जे यात्रा नो आज मुकाम मळी गयो छे। पीएम मोदी 33 वर्ष पहला निकलेली संकल्प यात्रा नु व्यवस्थापन संभाळ्यु हतु अने आज संकल्प यात्रा ने मुकाम मळी गयु छे। वर्षो बाद रामलल्ला तेमना महल मां विराजमान थवा जई रह्या छे, जेना हस्ते रामरथ शुरू थयु हतु अने तेमना ज हस्ते आज रामलल्ला विराजमान थवा जई रह्या छे। पीएम मोदी सौभाग्यशाली नेता छे अने जे काम नु तेओ बीडु झड़पे छे तेने साकार करवानु सौभाग्य पण तेमने मळे छे। थोड़ा समय पहला पीएम मोदी अहीना राम मंदिर थी श्री राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ की शुरुआत करावी हती अने 1.25 करोड़ राम नाम मंत्र ना लेखन नो संकल्प पण कर्यो हतो, जे थोड़ा वर्षों में 3.5 करोड़ मंत्र लेखन साथे संकल्प पूर्ण थयो हतो। हवे आ मंत्र पण सौभाग्य की घड़ी ना साक्षी बनशे, त्यारे सोमनाथ संकल्प की भूमि छे जे सार्थक थयो छे। सोमनाथ मंदिर नु निर्माण होय के अयोध्या मंदिर नु, प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते सोमनाथ ने जो संकल्प भूमि ने श्रेय आपवो ज पड़े। ये संकल्प भूमि है, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर संकल्प लिया था। मुगल शासक ने जो इस मंदिर को ध्वस्त किया था, उसके बाद यहाँ पर एक नव निर्माण सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया जाए, और आज आपके सामने देखिए कितना बढ़िया सोमनाथ मंदिर है। और आडवाणी जी ने जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसकी संकल्प यात्रा की शुरुआत सोमनाथ मंदिर से ही की थी। देशना प्रमुख राम कथाकार मोरारी बापूए राम मंदिर ने लई अने खास इंटरव्यू आप्यो। मोरारी बापूए हिंदुत्व अने धर्मनी पण व्याख्या आपी छे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नजीक आवी रह्यो छे, त्यारे बापू शुं अवनवी रह्या छे अनुभवी रह्या छे, जुवो खास इंटरव्यू। राम मारा माटे ब्रह्म छे, परमात्मा छे, ईश्वर छे। જેના હૃદયમાં શ્રી રામ વસે છે, એટલે રામ માટે જેટલું કહીએ નિરુપમ ન ઉપમા રામ, રામ સમાન રામ નિગમ ભને। જેના મુખે શ્રી રામની જ કથા સંભળાય છે। આપણી શાસ્ત્રીય પરંપરા અને મારા જેવાની આશ્રિત્ય પરંપરા બંનેમાં પરમ બ્રહ્મ છે, ભગવાન છે, ઈશ્વર છે, परमात्मा छे, परम तत्व छे, परम सत्य छे, परम प्रकाश छे, परम अमृत छे। जेना रोमे रोम मा प्रभु श्री राम नी महिमा छे एवा महात्मा मुरारी बापू राम मंदिर बनवा पर धन्यता अनुभवी रह्या छे। परम कृपाळु परम ब्रह्म भगवान श्री राम नो महिमा अने महात्म्य जणावता मुरारी बापू ए हिंदुत्व अने धर्म नी पण व्याख्या करी। धर्म परंपरा में पवित्र ने प्रवाही परंपरा में भगवान राम ने वेदों ये नेति नेति कही ने पुकारा है कि हमें आपने आम कहिए आम कहिए आम कहिए, तुम्हारा दर्शन करिए, तुम्हारो अनुभव करिए, पछी पाछू अमने एम लगे कि ना ना आम पण नथी आम पण नथी। एटले जेने वेदों ये नेति कही ने पुकारा, वेदों पछी आव्या वेदांग, वेदों ना छूटा छूटा अंको आपणे उपनिषद कहीए छीए, एमणे पण यतो वाचो निवर्तन्ते एम कहीने हाथ ऊंचा कर दीधा कि आमां अमारा थी कई कथन थई शके,
પછી મહાભારત રામાયણ માં આપણે આવીએ પુરાણમાં આવીએ ભરપૂર રામચરિત માનસ છે બધામાં રામનું ચરિત્ર અને જે ગ્રંથનો આશ્રય લઈને હું ફરું છું એ ગ્રંથ એ પણ નેતિ નેતિ જે વેદ નિરૂપા જેને વેદ નેતિ નેતિ કહીને નિરૂપિત કરે છે એ રામ આપણી શાસ્ત્રીય પરંપરા અને મારા જેવાની આશ્રિત્ય પરંપરા બંનેમાં પરમ બ્રહ્મ છે ભગવાન છે ઈશ્વર છે પરમાત્મા છે પરમ તત્વ છે પરમ સત્ય છે પરમ પ્રકાશ છે પરમ અમૃત છે એટલે રામ માટે જેટલું કહીએ નિરૂપમ ન ઉપમા રામ રામ સમાન રામ નિગમ ભણે વેદો આવું ભણે છે કે રામ સમાન રામ એ પ્રવાહી ધારાના એક ધારક તરીકે રામ મારા માટે બ્રહ્મ છે પરમાત્મા છે ઈશ્વર છે પરમાત્મા વેદો સે લેકર શાસ્ત્રો મેં મહાભારત રામાયણ ભાગવત મેં ભી રામ કથા રામચરિતમાનસ વાલ્મીકિ રામાયણ તો પ્રધાન હૈ ગોસ્વામીજી કા રામચરિતમાનસ જો લેકર મેં ઘૂમ રહા હું ઉસમે ભી વેદો સે લેકર રામચરિતમાનસ તક ભગવાન રામ કો નીતિ નીતિ કહેકર પુકારા જાતા હૈ ભગવાન રામ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ હૈ ભગવાન હૈ ઈશ્વર હૈ પરમાત્મા સત્યમ પરમ ધીમહી ભાગવતકાર જિસકો પરમ સત્ય કહ કરકે મેં ઉસકા ધ્યાન કરતા હું એસા હમારે ગ્રંથો મેં લિખા હૈ રામો વિગ્રહવાન ધર્મ સાધુ સત્ય પરાક્રમ રામ એ શરીરધારી ધર્મ છે ધર્મને ધર્મ કો જબ વિગ્રહ શરીર ધારણ કરને કી ઈચ્છા હુઈ તો એ રામ રૂપ મેં ધર્મ આયા સનાતનસ્તમ પુરુષો મતો મેં એવું અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે મારા મતમાં મેરે મતમાં મેરે અનુભવમાં આપ સનાતન પુરુષ ગોસ્વામીજી ભી કહેતે હૈ પુરુષ પ્રસિદ્ધ પ્રકાશ નિધિ પ્રકટ પરાવરનાથ રામ શાશ્વત સનાતન હૈ એસે પરમાત્મા રામ કા 550 સાલ કે બાદ અયોધ્યા મેં રામ મંદિર મેં પરમાત્મા કે દિવ્ય વિગ્રહ મેં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હોને કો હૈ ભવ્યાતિ ભવ્ય રામ મંદિર બનીને તૈયાર છે ત્યારે મોરારી બાપુએ જનતાને શુભેચ્છાઓ પણ આપી 550 વર્ષ થયા ભગવાન રામનું આટલા વર્ષોની પ્રતીક્ષા પછી નવનિર્મિત જે બહારથી ભવ્ય છે થોડાક અંદર જઈએ તો દિવ્ય છે અને ચરણ સુધી જઈએ તો સેવ્ય છે એવી એક પ્રસ્થાન ત્રય રચાણી છે અયોધ્યામાં એ 22 તારીખના રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવે આપ સૌને બહુ ખૂબ ખૂબ વધાય